एक साथ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ खेल में 15 अगस्त की आज़ादी के दिन मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज हम पूरे देश के अंदर हर समाज हर धर्म और इस देश से मोहब्बत करने वाले हर हिंदुस्तानी जश्न मना रहा है। लेकिन इस मुल्क के अंदर आज भी ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे उलमाओं ने हमारे देश के नेताओं ने सभी धर्म सभी समाज के लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी कि ये देश आज़ाद रहे, यहाँ पर सबको अपना अधिकार रहे, संविधान से ये देश चले। लेकिन आज अगर वो लोग ज़िंदा होते तो वो लोग भी अफसोस करते कि आज की हुकूमतें जो जुल्म कर रही है, जो दड़पशाही कर रही है, जो संविधान का से नहीं चल रही है, वो भी आज अफसोस करते। आज आप लोग देखेंगे मीडिया को आज़ादी नहीं है, आज आप लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करता है, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देता है उस ऑर्डर को पलटने का काम आज की मरकज की हुकूमतें कर रही है और ऐसे काले कानून बनाए जा रहे हैं कि इस देश के अंदर सभी समाज सभी धर्म के लोगों को बराबर हक मिलना चाहिए, बराबर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और संविधान में ये लिखा हुआ है कि हर मज़हब और हर धर्म के लोग अपने अपने अधिकार से यहाँ पर रह सकते हैं, जी सकते हैं, अपने अपने त्यौहार मना सकते हैं, अपने अपने मज़हब पर रहकर इस देश के अंदर रह सकते हैं। लेकिन ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, डराने का काम किया जा रहा है कि समाज के अंदर और मज़हब के अंदर इंटरफेयर करने का काम आज की सरकारें कर रही हैं। अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ती है कि मनोहर भिड़े नाम का एक व्यक्ति सांगली का रहने वाला, वो ऐसा बयान देता है गांधी जी के खिलाफ में, ऐसा बयान बोलता बयान देता है कि हम यहाँ पर आज बोल नहीं सकते। आज वो ये बोलता है कि तिरंगे को सलामी मत दो, इस तरीके की बात करने के बावजूद आज वो खुला घूम रहा है। कल हमारे शहर में एक पंपलेट तकसीम किया जाता है और ये बोला जाता है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र का पहला कदम के लिए शिवाजी महाराज के पुतले के पास से भगवा लहरा कर हम लोग पहला कदम बढ़ाएंगे हिंदू राष्ट्र की तरफ। इस तरीके का जहर घोलने का काम, इस तरीके का देशद्रोही मुल्क से गद्दारी करने का काम, तिरंगे से गद्दारी करने का काम भी शहर से शुरू होने वाला था, लेकिन जागरूक सियासी लोगों ने, उसके अंदर हम भी शामिल है, हम लोगों ने फौरी तौर पर एक्शन लेकर कल पुलिस डिपार्टमेंट को लेटर दिया, डिमांड की। और रात शाम 8:30 बजे एडिशनल एसपी साहब का मुझे फ़ोन आया कि हमने उनकी परमिशन को नाकार दिया। ये जो काम ये शहर से और इस मुल्क के अंदर इस महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, आज हम लोगों को इस मौके पर हमको ये तय करना है, आज हम लोगों को ये हल्फ लेना है एक मिशन के तहत कि इस देश के अंदर संविधान की रक्षा करना, इस देश के तिरंगे की रक्षा करना, इस देश के हर समाज हर धर्म की साथ में लेकर चलना और फिरका परस्तों को जवाब देना जो इस देश को तोड़ना चाहते, यहाँ के समाज को तोड़ना चाहते, यहाँ जात पात की सियासत करना चाहते, समाज को लड़ाना चाहते, हम उन लोगों का मुकाबला करने के लिए आज हम लोगों को तय करना है और सभी धर्म सभी समाज को साथ लेकर चलना है। यही मैं समझता हूँ आज के मौके के ऊपर हम लोगों को हल्फ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए तमाम ही अहदेदारान तमाम ही
विंग, तमामी सेल के सभी अहदेदारान यहाँ पर आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को फिर एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद।